नेशनल जंबोरेट के समापन के बाद शनिवार की रात 10 बजे ट्रेन के इंतजार में स्टेशन में खड़े नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के 11 छात्र छात्राएं ठंड की चपेट में आकर बेहोश हो गए। उन्हें देखकर महिला कर्मचारी ने आरपीएफ और जीआरपीएफ को जानकारी दी। इसके बाद सभी को रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सेगरसा मैदान में 6 दिवसीय भारत स्काउट एंड गाइड्स का अखिल भारतीय जंबोरेट आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित अन्य जोन के 1000 से अधिक स्काउट एंड गाइड्स के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मेजबानी में 19वें स्काउट गाइड्स एंड नेशनल जंबोरेट का समापन शुक्रवार को हुआ। इसके बाद विभिन्न जोन से आए स्काउट्स एंड गाइड्स की रवानगी शुरू हुई। शनिवार की रात 11 बजे नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के 100 स्काउट्स एंड गाइड्स सारनाथ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। वे प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बीते 2 दिन से मौसम बदलने के कारण छात्र ठंड का शिकार हो चुके थे। इसी दौरान अचानक छात्र छात्राएं प्लेटफॉर्म में बेहोश होने लगे। आधे घंटे के भीतर ही 11 छात्र ठंड की चपेट में आकर बेहोश हो गए। इससे रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया। ड्यूटी कर रही महिला गार्ड ने इसकी सूचना आरपीएफ और जीआरपी को दी। इसकी सूचना रेलवे के आला अधिकारियों और आयोजन समिति को भी दी गई। तत्काल बच्चों को रेलवे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और इसकी खबर जिला प्रशासन को भी दी गई, जिससे प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई। डॉक्टरों ने छात्र छात्राओं की जांच के बाद ठंड से बीमार पड़ने की जानकारी दी, साथ ही बताया कि वे पहले से ही ठंड की चपेट में आ चुके थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है, एक छात्र ज्यादा बीमार है। घटना की सूचना छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मिली तो वे खुद बीमार बच्चों से मिलने पहुंचे। साथ ही शहर के विधायक शैलेश पांडे और दूसरे जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे। टीएस सिंहदेव ने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए। स्काउट्स और गाइड्स के लिए बच्चे आए थे कैंप में, वो अस्पताल में भर्ती हैं और तबीयत कुछ खराब है। यहाँ आ रहा था तो उन्होंने भी चाहा कि आके उनको देख लें, स्थिति देख लें बच्चों की, तो संतोषजनक दिख रहा है स्थिति। डॉक्टर साहब लोग ने भी बताया कि पल्स ठीक है, उल्टी दस्त नहीं हो रहे और बीपी भी ठीक बता रहे हैं, तो स्थिर हो गए हैं बच्चे। लगता है कि ठंड से या कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो गया, बीच में 2-3 बारिश भी हुई थी तो बारिश में भी टेंट गीला हो गया होगा उनका, और बारिश के बाद ठंड बढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं ठंड लग गई हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि कपकपी है बच्चों को और उसके अलावा बाकी कुछ बहुत गंभीर स्थिति अभी नहीं दिख रही है, तो उपचार समय पे हो गया, लगता है कि बच्चे अच्छे होके चले जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।